आम आदमी पार्टी नू छड़ हाल ही च भाजपा च शामिल हुए साबका एमपी सुशील रिंकू ते साबका विधायक शीतल अंगुराल ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिता है, जिथे उन्हां ने हाल ही दे विच पुलिस नू आम आदमी पार्टी दे कैबिनेट मंत्री तो लैके विधायका ते वर्करां दे खिलाफ एक लिखती शिकायत दिती है, जिस विच इन्हां खिलाफ कारवाई करन दी मांग कीती है। दरअसल सुशील रिंकू ते शीतल अंगुराल दे वल्लों भाजपा च शामिल होण तों बाद आप दे मंत्रियां विधायकां ते वर्करां दे वल्लों इन्हां दोनों दे खिलाफ प्रदर्शन कीता गया, इन्हां नूं गद्दार करार दिता गया। दस्सदे कि आप वर्करां ने जलंधर दे विच ही बस्ती दानिशमंदा चौक च प्रदर्शन किया, जिस दौरान सिटी पुलिस ने भी रिंकू ते अंगुराल दे घर ते दफ्तर दी सुरक्षा वधा दिती है। दस्सदे कि शीतल अंगुराल ते सुशील रिंकू दे वल्लों मंत्री बलकार सिंह, विधायक रमन अरोड़ा, इंद्रजीत कौर मान ते सीनियर आगुआं दे नाम ते इक लिखती शिकायत दर्ज करवाई गई है कि इन्हां विरोध करन वालियां खिलाफ प्रदर्शन करन वालियां दे खिलाफ कानूनी कारवाई कीती जाए। कैबिनेट मंत्री बलकार सिंह दी अगुवाई दे विच सुशील रिंकू ते शीतल अंगुराल दे दफ्तरां दे बाहर जोरदार प्रदर्शन कीता गया सी ते इन्हां नूं पार्टी दे गद्दार किया गया सी, जिस नूं लै के पुलिस दे नाल भी थोड़ी बहस हुई सी। इत्थों तक के आगुआं दे वल्लों शीतल अंगुराल अते सुशील रिंकू दे बोर्ड ते लाल रंग पोथिया गया अते नाल ही बोर्ड तोड़न दी भी कोशिश कीती गई, जिस नूं लै के पुलिस भी मौके ते पहुंची। तां हुण सुशील रिंकू ते शीतल अंगुराल ने इन्हां मंत्रियां ते विधायकां दे खिलाफ लिखती शिकायत दित्ती है ते पुलिस तों मांग कीती है कि इन्हां प्रदर्शन करन वालियां दे खिलाफ कानूनी कारवाई कीती जावे। जेकर इह दुबारा धरना लाउंदे ने या प्रदर्शन करदे ने तां सख्त तों सख्त कारवाई कीती जाए।